हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हाउस ऑन व्हील। तो गाइस मैं आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ किया की तरफ से सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार, जो कि है ऑल न्यू किया सेल्टोस का टॉप मॉडल HTX। और गाइस बहुत प्रीमियम गाड़ी है, आप देख सकते हो इसकी फ्रंट लुक कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलती है। अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो हम लोग यहाँ पर न्यू किया का लोगो देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको डायमंड सिग्नेचर जो किया का ग्रिल आता है, टाइगर नोज ग्रिल, पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में डायमंड फिनिश के साथ। और यहाँ पर आपको सराउंडिंग क्रोम भी दिया हुआ है जो कि और मस्त लगता है डायमंड पैटर्न में। और यहाँ पर बात करें तो हम लोग को किया का क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, दो आपको लो बीम के लिए, दो हाई बीम के लिए। यहाँ पर आपको LED DRL मिलता है जो कि कनेक्टेड बहुत मस्त लगता है आपको, पूरा इस तरफ से दोनों साइड से कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। और ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकता है क्योंकि इसका हेडलैम्प के चलते और इसका टर्न इंडिकेटर का जो डिज़ाइन है बहुत प्रीमियम लगता है और ऐसा कोई गाड़ी में नहीं दिया गया है। और अगर हम लोग नीचे की बात करें तो हम लोग को आइस क्यूब LED फॉग लैम्प मिल जाता है, जो भी ये भी यूनिक डिज़ाइन मुझे लगता है। और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको सिल्वर कलर का स्किड प्लेट मिलता है ब्लैक फिनिश के साथ में, यहाँ पर आपको टोइंग हुक मिलता है। और ये कुछ आपकी फ्रंट प्रोफाइल है, बिग साइज़ का आपको बोनेट दिया गया है जो कि बहुत मैसिव लुक ऑफर करता है। तो गाइस साइड प्रोफाइल की बात करें तो हम लोग को कुछ इस टाइप से साइड प्रोफाइल देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको 2610 mm का व्हील बेस मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है कि आप आराम से इजीली ऑफ रोड भी कर सकते हैं। और अगर व्हील की बात करें तो हम लोग को 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जिसकी प्रोफाइल है 215/60R 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स है। आपको यहाँ पर किया का न्यू लोगो मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर साइड में क्रोम इंसर्ट मिलता है। और जो आपको मिरर है, ऑटो फोल्डिंग मिरर है विथ वेलकम फंक्शन, यहाँ पर आपको LED टर्न इंडिकेटर भी दिया गया है। पेडल लैंप की बात करें तो वो नहीं मिलता हम लोग को। और जो आपको यहाँ पर कीलेस एंट्री का भी फंक्शन मिल जाता है। और जो चारों डोर हैंडल है वो आपको क्रोम में देखने को मिलता है। और यहाँ बात करें तो हम लोग को डोर वाइजर भी दिया गया है, इलेक्ट्रिक सनरूफ और दो सिल्वर रूफ रेल्स मिलता है, जिससे और लुक अच्छा आने लगता है इसका। और गाइस इसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। और बैक प्रोफाइल की बात करें तो हम लोग को कुछ इस टाइप से बैक प्रोफाइल देखने को मिलती है, जो कि बात करें यहाँ पर तो हम लोग को यहाँ पर किया का लोगो, ये आपको पूरा क्रोम इंसर्ट देखने को मिलता है। क्रोम का काम तो पूरा गाड़ी में बहुत किया हुआ है। और इधर बात करें तो हम लोग को LED टेल लैम्प मिलता है और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स दिया गया है। और यहाँ बात करें तो हम लोग को 4 रिवर पार्किंग सेंसर मिल जाता है, यहाँ पर एक है, दो, यहाँ पर तीन, ये 4। ये आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको सेल्टोस की बैजिंग। और यहाँ बात करें तो हम लोग को सार्फिन एंटीना, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पर डिफॉगर, ये आपको वाइपर देखने को मिलता है। और यहाँ पर सिल्वर कलर का स्किड प्लेट दिया और बैक बम्पर ब्लैक कलर में है, आप देख सकते हो। बैक से भी बहुत यूनिक लुक लगता है किया सेल्टोस का, इसीलिए तो ये किया सेल्टोस टॉप सेलिंग बन चुका है किया की तरफ से। और इस तरफ से बात करें तो हम लोग को इस तरफ से भी कुछ प्रोफाइल देखने को मिलती है। और अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 50 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है। और ये जो मैं आपको वेरिएंट दिखा रहा हूँ ये पेट्रोल वेरिएंट है, तो यहाँ भी आपको क्रोम इंसर्ट देखने को मिलता है। ये आपको दो रूफ रेल्स। और एक चीज़ दिखाना भूल गया आपको, ये UVO कनेक्टेड कार जिसमें आता है, ये फीचर्स भी इसमें दिया गया है क्योंकि कनेक्टेड कार फीचर्स आपको मिल जाता है। तो गाइस चलते अब चेक करते हैं बूट स्पेस, हम लोग को बूट स्पेस कितना मिलता है। यहाँ पर आपको कैमरा का प्लेसमेंट मिल जाता है, दो लाइसेंस प्लेट में लैम्प दिया गया, यहाँ पर मैग्नेटिक बटन है जिससे आप खोल सकते हो। और भाई बूट बहुत हैवी है। और यहाँ पर एक पार्सल ट्रे मिल जाता है जिसमें आप कोई भी सामान रख सकते हो। और बूट स्पेस की बात करें तो आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और यहाँ पर एक लैम्प मिल जाता है, बहुत बड़ा बूट स्पेस है, आप आराम से 2-3 बिग बैग कैरी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर आपको इमरजेंसी एग्जिट का बटन मिल जाता है, यहाँ पर आप इससे इजली क्लोज कर सकते हैं। तो गाइस अब चलते हैं इंटीरियर में, चेक करते हैं इंटीरियर में हम लोग को क्या क्या फीचर्स मिलता है। और कीज़ की बात करें तो कुछ इस टाइप का हम लोग को दो स्मार्ट कीज़ मिलता है, जिसमें लॉक अनलॉक, इसको दबा के रखोगे तो आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा और इससे बूट रिलीज़ हो जाता है। तो चलते गाइस इंटीरियर चेक करते हैं। और यहाँ पर हम लोग अनलॉक करते हैं, आपको ऑटो फोल्डिंग मिरर्स, यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री मिल जाता है। और डोर ट्रिम की बात करें तो आपको डुअल टोन डोर ट्रिम देखने को मिलता है, जिसमें ब्लैक और बीच कलर का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश में डोर ओपनर दिया गया आपको, और फोल्ड पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ ORVM एडजस्ट करने के कंट्रोल और फोल्ड करने के कंट्रोल। और यहाँ पर आपको स्पीकर के प्लेसमेंट, यहाँ पर ट्विटर मिलता है आपको, फ्रंट 2 ट्विटर। तो गाइस सीट्स की बात करें तो आपको लेदर सीट्स देखने को मिलता है, यहाँ से आप एडजस्टमेंट इसका मैनुअली कर सकते हो। तो गाइज यही है ऑल प्रीमियम इंटीरियर डुअल टोन, यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच दिया गया। उससे पहले हम लोग गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। गाइस स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो हम लोग को लेदर रैप डी कट स्टेयरिंग व्हील मिलता है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील है। यहाँ पर आपको वॉइस कमांड के कंट्रोल और टेलीफोनिक के कंट्रोल, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल और एमआईडी के कंट्रोल मिल जाती है। और एमआईडी की बात करें तो हम लोग को यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्टेगोमीटर मिलता है, राइट साइड में स्पीडोमीटर और ये पेट्रोल वेरिएंट, और आपको बीच में एक एमआईडी मिलता है जहाँ पर आप देख सकते हो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का, ड्राइव इन्फो, कितना फ्यूल है आपका, क्या टेम्परेचर है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और अगर हम लोग यहाँ बात करें तो हम लोग को वाइपर नॉर्मल मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प दिया गया है। और यहाँ पर बात करें तो हम लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है और यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलर दिया गया है। और एसी वेंट का भी प्लेसमेंट बहुत यूनिक डिज़ाइन में है। और सेंटर कर बात करें तो हम लोग को यहाँ पर आपको 10.2 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो सपोर्ट करता है वायरलेस, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ, वॉइस कमांड, बहुत सारा फीचर्स दिया गया है। और इसका टच रिस्पॉन्स भी आप देख सकते हो, इनबिल्ड आपको नेविगेशन मिल जाता है, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। और टच रिस्पॉन्स बहुत इसका सबसे बेस्ट मुझे, जब तक मैंने अभी इतना गाड़ी देखा है बट इसका सबसे बेस्ट है। यहाँ से आप वॉइस रिकोगनाइज और इसमें आपको जो यूवी कनेक्टेड इसका कार का ऐप फीचर आप वो भी यूज़ कर सकते हो, व्हीकल इंफॉर्मेशन, नेविगेशन, साउंड। और इसमें आपको साउंड LED मूड लाइट भी मिल जाता है जो कि आपको एम्बियट लाइट रहता है, वो साउंड के हिसाब से चेंज होते रहता है। और यहाँ बात करें तो हम लोग को हजार्ड लाइट का बटन मिलता है, यहाँ पर आपको एसी वेंट का प्लेसमेंट और एसी की बात करें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। और यहाँ बात करें तो हम लोग को एक स्टोरेज स्पेस दिया गया, यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट या आपको USB का पोर्ट, यहाँ पर भी एक सॉकेट दिया गया है। और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, यहाँ पर आपको रियर व्यू मॉनिटरिंग कैमरा भी दिया गया है। और गाइस अगर रिवर्स कैमरा की बात करें तो आपको कुछ इस टाइप का रिवर्स कैमरा देखने को मिलता है जिसमें एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है। और सेंसर का डिस्प्ले आपको यहाँ भी देखने को मिलता है और MID स्क्रीन में भी दिया गया है। और कैमरा क्वालिटी की बात करें तो बहुत बेहतर कैमरा क्वालिटी दिया गया और आपको फुल व्यू मिल जाता है। आर्मरेस्ट जो कि फिक्स्ड आर्मरेस्ट है, जहाँ स्पेस है। और ये हैंड ब्रेक है, आप 2 कप होल्डर मिल जाता है आपको। और सीट्स आप देख सकते हो, बहुत कंफर्टेबल सीट्स है। IRVM की बात करें तो आप लोग को डे एंड नाइट ऑटोमेटिक IRVM मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको SOS का फीचर, यहाँ पर टोइंग का फीचर, यहाँ UVO जो ऐप कनेक्टेड है उसका फीचर्स मिल जाता है। और यहाँ बात करें तो हम लोग को 2 LED कैबिन लैम्प देखने को मिलता है। और ये आपको सनग्लास होल्डर दिया गया है। और वैनिटी, यहाँ पर आपको एक मिरर मिल जाता है वैनिटी में। और इधर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक टिकट होल्डर दिया गया है। और सबसे मेन जो है भाई सनरूफ, इसका इस वेरिएंट में आपको सनरूफ मिलने लगता है। 1 टच इलेक्ट्रिक सनरूफ आता है जो कि आप अगर छोटा कोई बच्चा है तो वो निकल सकता है, बड़ा लोग के लिए प्रैक्टिकल नहीं है ज़्यादा। ये पूरा खुल जाता है यहाँ तक, ये 1 टच में क्लोज भी हो जाता है, बट आपको ब्लाइंड जो है वो मैनुअली बंद करना पड़ेगा, वो नहीं होता है। तो गाइस यही है इंटीरियर की लुक, यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच दिया गया है। और ये डैशबोर्ड, जब आप कार ड्राइव करोगे तो आपको डैशबोर्ड पूरा फिजिबल रहता है। इंटीरियर बहुत प्रीमियम दिया गया, आप प्रीमियम, आपको 10.2 इंचेस का इतना बड़ा म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, क्लस्टर मिलता है, हर एक फीचर जो चाहिए गाड़ी में आपको हर एक फीचर दिया गया है। और ग्लो बॉक्स की बात करें तो हम लोग यहाँ पर ग्लो बॉक्स जो है वो नॉर्मल दिया गया है। यहाँ पर भी AC वेंट, आपको एयर बैग की प्लेसमेंट, इसमें आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। और बात करें तो इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, बहुत ABS, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी दिया गया है। तो यही गाइज ऑल प्रीमियम इंटीरियर का लुक। अब चलते हैं हम लोग पीछे, देखते हैं पीछे क्या क्या मिलता है हम लोग को। और गाइज यहाँ बात करें तो हम लोग को यहाँ पर आपको फ्यूल लिड खोलने का, यहाँ पर आपको बोनेट खोलने का लीवर, यहाँ पर आपको मैनुअल है तो 3 पैडल दिया गया और डेड पैडल के लिए भी आपको स्पेस दिया गया है। तो गाइज चलते हैं अब रियर प्रोफाइल चेक करते हैं हम लोग को रियर में कितना स्पेस मिलता है। और ये आपको डोर ट्रिम, यहाँ पे डुअल टोन मिलता है, यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक ही दिया गया, यहाँ पर आपको विंडो ओपन क्लोज का, यहाँ पर आपको डोर ओपनर, और यहाँ पर आप एक कर्टेन मिलता है जो आप यूज़ कर सकते हो। एक भाई समर में इसका बहुत बेनिफिट मिलता है भाई, सनरेज आने नहीं देता अंदर, तो इसको हम लोग यहाँ से इजीली क्लोज भी कर सकते हैं। और ये कुछ आपको लेदर सीट्स मिलता है जो कि यहाँ पर आपको कुशन्स और पिलो भी दिया गया है। ये तो सीट कवर आप आफ्टर मार्केट चढ़ा हुआ है, बट सीट्स बहुत कंफर्टेबल है गाइस, आप लोग आराम से 3 लोग बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हो। और यहाँ पर पार्सल ट्रे जो आपको मैं दिखाया था। और बीच की बात करें तो यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है, हाँ, इसमें 2 कप होल्डर का स्पेस भी है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल, आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। और सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाता है और आपको यहाँ पर स्मार्ट प्यूरीफायर एयर मिलता है जो कि इसका ब्लो आपको आगे से निकलता है। ये आपको AC के वेंट्स होगी, यहाँ पर आपको एक USB के पोर्ट, यहाँ पर आपको मोबाइल फोल्ड होल्डर है, यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर दिया गया है और ये कुछ आपको फ्रंट डैशबोर्ड की लुक, बहुत प्रीमियम डैशबोर्ड दिया गया है। और यहाँ बात करें तो हम लोग को सेंटर में एलईडी कैबिन लैम्प देखने को मिलता है, जो कि बेस्ट एलईडी देना चाहिए। यहाँ पर आपको एक कूट हुक विद ग्रैब हैंडल, 4 ग्रैब हैंडल मिलता है। और ये जो आपको सनरूफ है, मैंने आपको तो दिखाया, इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया गया है। और ये कुछ प्रीमियम डैशबोर्ड की लुक, बहुत कंफर्टेबल कार है, बेस्ट कार है। अगर एक फैमिली को चाहिए एक एसयूवी, बेस्ट है। आपको अगर किसी को भी लेना है तो एक बार इसको देखना, किया सेल्टोस बेस्ट गाड़ी मुझे तो लगा। आपको फीचर से लेके हर एक चीज़ मिल जाता है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव में भी जाओगे तो ज़्यादा टायर्ड फील नहीं होगा और आपको अच्छा खासा नी रूम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें 2610 mm का व्हील बेस भी दिया गया है। तो एरिया में आपको सेंटर में भी ज़्यादा बम्प नहीं उठा कि अगर तीसरा बंदा कोई बैठेगा तो ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होगा। आराम से कोई भी 5% लायक है, बहुत बेटर गाड़ी है। तो चलते अब बात करते हैं गाइस इंजन ऑप्शंस की, देखते हैं हम लोग को इंजन क्या क्या मिलते हैं। और गाइस इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 113 bhp का पावर और 144 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बहुत साइलेंट और बहुत रिफाइंड इंजन है। केबिन नॉइस तो आपको 0% भी मतलब अंदर सुनाई देगा ही नहीं। और ये आपको देख सकते हो इंजन गार्ड, अंडर बॉडी इंजन गार्ड प्रोटेक्शन आपको फ्रंट में थोड़ा सा दिया गया। और ये आपको इंजन की प्लेसमेंट है और यहाँ पर आपको फ्रंट इंजन गार्ड प्रोटेक्शन भी दिया गया है कि फ्रंट से भी कुछ होगा नहीं और कोई भी रैट कैट पिजन आपका इंजन में एंटर नहीं कर सकता। और ये देख सकते हो आपको पूरा प्लेसमेंट दिया गया है। तो गाइस सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स विथ ABS, EBD, TPMS, रियर व्यू कैमरा, रियर व्यू सेंसर मिल जाता है आपको। इसमें क्रैश टेस्ट, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, फिर 6 एयरबैग तो दिया गया है। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स दिया गया है, जिसके डिस्क ब्रेक दिया गया आपको, फ्रंट बैक दोनों में डिस्क ब्रेक दिया गया है। तो सेफ्टी फीचर्स के मामले, प्रीमियमनेस के मामले, हर एक चीज़ में गाड़ी नंबर 1 है, टॉप नॉच है। कोई आपको नो डाउट कोई प्रॉब्लम होना चाहिए इसमें, आपको फीचर से लेके हर एक चीज़ दिया गया है। तो गाइज़ अगर इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 17,36,000 ऑन रोड जमशेदपुर की प्राइस है। बेस्ट कार है, अंडर 18 लाख आप या 17,50,000 बोल सकते हो। अगर आपको एक बार पसंद है तो आप जाके एक बार ज़रूर देखना। तो गाइज़ बेस्ट कार है, अंडर 17 लाख, किसी को भी बाई करना है तो डेफिनेटली बाई कर सकते हो। एक प्रीमियम एसयूवी है, इसमें फ़ीचर से लेके हर एक कंफर्ट, सेफ्टी सब दिया गया है। 6 एयरबैग्स भी मिल जाता है और अच्छा गाड़ी है। ये नहीं कि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम है, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिससे आप कहीं भी ईजिली ले जा सकते हो। एकदम कंफर्टेबल कार है, लॉन्ग राइड में भी जाएंगे तो आप ज़्यादा टायर्ड फील नहीं करेंगे। हर एक फ़ीचर्स दिया गया है, तो एक बार आप ज़रूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी आपके साथ इंटरेस्टिंग कार के रिव्यू लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।